गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेस एंड ग्लो। दिस इज मंजुला सिंह, योर ब्यूटी एक्सपर्ट। और आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि अगर प्री मेच्योर ग्रेइंग की प्रॉब्लम आपके साथ है तो उसका सलूशन क्या है और किस तरह से प्री मेच्योर ग्रेइंग को रोका जा सकता है, इसका आइडिया मैं दूंगी। एक समय के बाद, एक सर्टेन एज के बाद बालों का व्हाइट होना, ग्रे होना बहुत ही नेचुरल है। लेकिन अगर बिफोर टाइम आपके बाल ग्रे हो रहे हैं और वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो ये कंसर्न की बात है। और वैसे भी कौन चाहता है कि समय से पहले उसको आंटी या अंकल बोला जाए। अगर आप भी ऐसा नहीं चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कि इसका सलूशन क्या है। ये बहुत ही आसान रेमेडी है, इजी है, होममेड है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन 100% इफेक्टिव है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। प्री मेच्योर ग्रेइंग से बचाने के लिए आपके बालों को बहुत ही सिंपल रेमेडी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव। उसके लिए हम ये एक ग्लास पानी लेंगे। ये ऑलमोस्ट एक मीडियम साइज़ का जो ग्लास होता है उससे एक ग्लास भरकर मैंने पानी लिया है और उसमें ऐड करेंगे ये इतना सा रॉक सॉल्ट। ये 1/4 स्पून है, तो ये रॉक सॉल्ट हमने इसमें डाल दिया है। और जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ये ब्लैक टी, 1, 2 एंड 3 3 स्पून इसमें डालेंगे। आपको यूज़ करना है ये, आपके बालों को ना सिर्फ ग्रेइंग से सेव करेगा, ग्रेइंग से बचाएगा, और ये आपको रिवर्स ग्रेइंग प्रोसेस में ले जाएगा, बल्कि आपके बालों की अच्छे से कंडीशनिंग भी करेगा। इंग्रेडिएंट है हमारा टल है जो हिबिस्कस फ्लावर्स के हैं, उसको भी हम ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे कम से कम 5 से 7 मिनट तक। मैं आपको बता दूं कि ये तीनों के तीनों इंग्रेडिएंट आपके लिए डालना बहुत ही ज़रूरी है। आपके बालों को रिवर्स ग्रेइंग प्रोसेस में ले जाता है, जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं उससे रोकता है और आगे बाल आने वाले जो हैं वो वाइट नहीं होंगे। 6-8 मिनट तक बॉईल होने के बाद इसको हम ठंडा करेंगे, इसको स्ट्रेन करेंगे, उसके बाद इसको एक स्प्रे बॉटल में डाल देंगे। तो ये हमने टी को बॉईल किया है, टी को हिबिस्कस के साथ और सॉल्ट के साथ, रॉक सॉल्ट के साथ। उससे 8 मिनट मैंने बॉईल किया, उसके बाद उसको ठंडा होने दिया, स्ट्रेन किया और ये 2 तरह के स्प्रे बॉटल में मैंने रखा है। इसकी कोई खास वजह नहीं है, जैसे भी आप अवेलेबल आपके पास हो उस तरह के स्प्रे बॉटल में आप रखेंगे, सो दैट इसके एप्लीकेशन में आसानी होगी। ब्लैक टी में बहुत सारा टैनिक एसिड होता है जो समय के साथ बालों को नेचुरल ब्लैक कलर में कन्वर्ट करता है। इसमें मैंने हिबिस्कस फ्लावर डाला है। उसकी वजह यह है कि आयुर्वेद कहता है कि हिबिस्कस फ्लावर ही एक ऐसा एजेंट है जिसकी वजह से आप सफ़ेद होते हुए बालों को रोक सकते हैं, और ना सिर्फ रोक सकते हैं बल्कि आपके आने वाले जो बाल हैं वो व्हाइट होंगे भी नहीं। इसके बेनिफिट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए सिनेमन ऑयल डालेंगे। एसेंशियल ऑयल है ये, सिनेमन एसेंशियल ऑयल। इसके कुछ ड्रॉप्स ही हमें डालना है। अगर आप नहीं डालना चाहते कोई बात नहीं, हाँ इसमें आप रिप्लेस किस किस चीज़ को कर सकते हैं वो मैं बता दूँ। अगर हिबिस्कस फ्लावर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह आप ओरिगेनो डाल सकते हैं, वो भी नहीं है तो उसकी जगह उसमें आप थोड़ा सा रोजमेरी के लीव्स डाल सकते हैं। बालों को ब्लैक करने के लिए, काला करने के लिए उतना ही इफेक्टिव है ये। जब इस तरह से आपका मिक्सचर रेडी हो जाए, इसको पूरे बालों में अप्लाई करना है। पूरे बाल जब इससे गीले हो जाएं, ऑलमोस्ट आप जैसे रिंस करते हैं बालों को, उस तरह से इससे इस मिक्सचर के साथ आपके बालों को ऑलमोस्ट गीला करना है, स्प्रे करना है। उसके बाद उसको कम से कम 1 घंटे या 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, फिर हेयर वॉश कर लीजिए किसी भी माइल्ड शैम्पू से। बोनस पॉइंट देती हूँ ये कि अगर आपके बाल वैसे भी वाइट नहीं हो रहे हैं, आपके प्री मेच्योर ग्रेइंग की प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप इस टी रिंस को यूज़ कीजिए अपने बालों के लिए। आपके बाल बहुत ही अच्छे होंगे, बाल बहुत दिनों तक वाइट नहीं होंगे, प्लस आपके बालों में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा। देखा आपने कितना आसान था इसे बनाने और कितना आसान था इसको यूज़ करना। तो आप भी इसको अप्लाई कीजिए अगर प्री मेच्योर ग्रेइंग के शिकार आप भी हो चुके हैं और आपके बाल भी समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं। यहाँ तक कि अगर प्री मेच्योर ग्रेइंग ही आपकी ग्रेइंग हो रही है, आप किसी भी एज में है, तो इस तरह तरीके से आप अपने बालों को ब्लैक दोबारा से कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं। और दूसरी बात कि आपके दूसरे बाल वाइट आएंगे भी नहीं।
हाँ, अगर बहुत ज़्यादा वाइट हो रहे हैं और एक सर्टेन एज पे आप आ चुके हैं तो उसके लिए कलरिंग बहुत अच्छा है, और वो भी नेचुरल तरीके से अगर आपको करना है तो मेरे पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि हेना डाई किस तरह से किया जाता है जिससे कि आपके बाल रेड ना हो के ब्लैक हो, तो उसका लिंक आपको मैं दे दूँगी। हो भी वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।